नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी कुर्ती हिप्स पर टाइट है या चाक टाइट है उसके कुर्ती के, तो उसको लूज कैसे करें। तो मैं बहुत ही आसान तरीका आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये मेरी कुर्ती है और ऊपर से तो इसकी फ़िटिंग ठीक है, पर ये यहाँ से काफ़ी टाइट है। यहाँ चाक पर जहाँ हिप्स होते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही टाइट है। तो इसको मैं लूज करने का बहुत ही आज आपको आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो पहले हम कुर्ती को इस तरह से बैक साइड कर लेंगे, और बैक साइड करने के बाद ये हमें 2-3 इंच तक यहाँ से, और जहाँ ये हमारे चाक हैं यहाँ तक इतनी सिलाई हमें निकालनी है। खोल देंगे यहाँ तक कुर्ती को हम, जहाँ तक ये चाक हैं 2-3 इंच तक। ऊपर से नहीं खोलना है कुर्ती को, क्योंकि ऊपर से तो हमारी फिटिंग ठीक है। सिर्फ यहाँ से जहाँ हिप्स होते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी टाइट है। तो अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से हम सिलाई को खोल लेंगे। इस तरह से तो देखिए, यहाँ से हमने खोल लिया है। अब चाक से भी इसको अलग कर देंगे ऐसे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। अब हमें थोड़े थोड़े चाक भी खोलने हैं, पूरे नहीं खोलने हैं, नीचे तक सिर्फ 3-4 इंच तक ही हमें खोलना है। जैसे ये है यहाँ तक, तो ये हमें 3-4 इंच तक खोलने हैं। ये यहाँ तक देखिए, ये नहीं खोलने हैं नीचे, सिर्फ ये यहाँ तक, ये इतने देखिए, आप देख सकते हो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से अब इसकी भी सिलाई को खोल लेंगे ऐसे, देखिए 2 साइड ऐसे कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने चाक को भी खोल लिया है 2 साइड के, इधर का भी और इधर का भी। अब इस पर हमें प्रेस करनी है, तब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। तो देखिए, मैंने प्रेस कर ली है इस पर 2 साइड, ये इधर भी और इधर भी। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है खुलने के बाद, ये यहाँ तक देखिए। अब आपको जितनी फिटिंग देनी है और जितना लूज करना है, तो देखिए हमने यहाँ तक ये बंद है, तो यहाँ से हम इसको लूज करेंगे ये यहाँ तक। तो पहले देखिए, ये यहाँ पर सिलाई हो रही थी, अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, तो ये इतना लूज हो जाएगा हमारा। जब दोनों साइड इतना लूज होगा 1-1 इंच, तो 2 इंच हम इसको लूज कर लेंगे कुर्ती को। तो देखिए, पहली सिलाई यहाँ पर थी और दूसरी ये यहाँ पर, और जो ये ऊपर की सिलाई है इससे मिला देना है ऐसे। देखिए, जहाँ तक चाक थे हमारे, यहाँ तक चाक थे, तो यहीं तक हमें लूज करना है। तो देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने सिलाई कर ली है, पहले यहाँ थी, अब देखिए ये यहाँ पर मैंने सिलाई की है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये इतना देखिए लूज हो गया है एक साइड से। अब इस तरह से देखिए चाक भी बना लेंगे, जहाँ तक ये हमने खोले थे जो चाक थे हमारे, ये यहाँ तक देखिए ऐसे, ये इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से ये चाक बंद है यहाँ से शुरू करेंगे और दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ किस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए, हमें यहाँ से सिलाई करनी है, क्योंकि नीचे के तो जो चाक हैं उन पर सिलाई हो रही है, बस हमें यहाँ पर करनी है ऊपर की साइड जहाँ पर हमने खोला था इसको। इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करनी है, अच्छे से मोड़ करके ऐसे सिलाई करनी है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड खोल करके सिलाई कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि जो हिप्स पर हमारी जो कुर्ती है, चाक जो है वो 2 इंच, मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाएगी कुर्ती की हमारी।
तो देखिए ये यहाँ तक सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। तो देखिए एक इंच तक हमने इधर से खोला और एक इंच हम दूसरी साइड से खोलेंगे। तो इस तरह से दो इंच हमारी जो कुर्ती की चौड़ाई है हिप्स पर वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है ना काम की ट्रिक। अगर